बताओ जरा, ये हक तुम्हें किसने दिया? किसने कहा तुम्हें कि तबादले के दौरान कोई चाल चली जाए? किसने? मेरी गलती है जनाब। मैं एक ताजर हूं, नहीं जानता था वो वसीलस या फिर फैसल सलीबियों की नजर में एक बहुत ही अहम और इंतहाई कीमती शख्स है। मैं ये सुनकर याकूब साहब के पास आया, यही गलती हुई मुझसे, और सुल्तान ने तबादला करने का फैसला कर दिया। अगर वो तबादले के दौरान हमला करते तो हमारे सुल्तान के लिए भी मौजू होता। वैसे भी उन काफिरों के साथ तिजारत सिर्फ तलवार से ही हो सकती है। उन्होंने वही किया जो उनके लायक था, मगर कामयाब नहीं हुए। उस्मान साहब, मैं ये बात भी जानता हूं कि हमारे दरमियान बहुत से गद्दार हैं, लेकिन यकीन जाने मैं गद्दार नहीं हूं। अगर मेरे दिल में जरा भी गद्दारी हो तो अल्लाह ताला मुझे इस जंगल से निकलना नसीब ना करे। अगर कोई मुजरिम है भी तो वो मैं हूं। अगर कोई ऐसा सर है जैसे कटना चाहिए तो वो सर मेरा है। इस सब की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है उस्मान साहब। हाँ नागा, हम तुम्हें कौम से मोहब्बत करने वाले माहिर ताजर के तौर पर जानते थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। सलामत रहे जनाब, मेरी जान दो मर्तबा आपकी मकरूज हो चुकी है। कोई बात नहीं, कोई भी हमारा मकरूज नहीं रहता। अब आप सबकी बारी है, आप सब ये जान लीजिए, अब से इसके सुल्तान होने की कोई अहमियत नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ जिहाद होगा, क्योंकि मेरा रास्ता जिहाद है। जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाए, और जो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं तो दुश्मन चाहे उसे छोड़ भी दे, मुझसे नहीं बचेगा वो। सिपाहियों, 14 और जख्मियों को साथ ले चलो। चलो सिपाही, हम सरदारान बैठ के इस पर मशवरा करेंगे। आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ बहुत जल्दी में हुआ याकूब साहब। आपका रास्ता कुशादा और आपके जहन रोशन हो, इश्तियाल में ना आए, गौर से सोचें, चलें, सलामती से जाएं। आप कहां जा रहे हैं अयहान आगा?
सिपाहियों, एक अरसे से बहुत कुछ मशकूक है, मगर जो कुछ भी था अब वाजे हो चुका है। महेंद्र साहब। सरदार। मेरे बेटो, तुम सभी एहान का पीछा करो। जनाब, क्या हम सिर्फ उसकी एक हरकत की वजह से पीछे जा रहे हैं? वो बहुत से बहादुरों की मौत की वजह बना, अब उससे और क्या तवक्को की जा सकती है? महेंद्र साहब क्या कहेंगे? उस दिन मैं जब एहान का पीछा कर रहा था तो मुझे वो जगह मिली जहां उसने सोना रखा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो खौफ ज़दा हो गया है, लेकिन मैं उस खौफ की वजह जानता हूं, कोई और ही बात थी, कुछ छुपा रहा था वो। यानी इसीलिए वो जंग में फौरन जाहिर हुआ और गायब हो गया। जनाब, आपको क्या लगता है कि सारा खेल उसी ने तरतीब दिया है? फैसला करने में इतनी जल्दी ना करें भाई। हमने सुना है कि वो आदमी ताजिर है, जंग से डरता है वो। जब सरदार ने उसे बचाया तब भी वो छुपने की जगह तलाश कर रहा था। मेरे बेटो, इस सारे मामले में कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। इंसाफ का तराजू अगर गैर मुतवाजन हो जाए तो कौम और रियासत कभी तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो। इसलिए हम पहले यकीन दहानी करेंगे और फिर ही सर उतारे जाएंगे। जब तक यकीन ना हो जाए कोई मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत भी नहीं करेगा। जो हुक्म जनाब। महेंद्र साहब, मेरे बेटो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीजिए। हम चारों तरफ फैल जाएंगे, उसके बारे में जितना हो सका सब मालूम करेंगे। चलो चलो, आ जाओ। उस्मान ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक तुमसे तफ्तीश नहीं की। सुल्तान, हम अभी एक जंग से निकले हैं, आप जानते हैं। अब हम भी चलते हैं और अपने जख्मियों को देखते हैं। जहन्नम में जाए तुम्हारी ये तिजारत। तुम बड़ी दूर से सोने की खुशबू सूंघ लेते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ सके कि ये एक चाल है, या फिर तुम ये समझ गए थे, या उन्होंने हमें जाल में फंसाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सोना दिया है? हाँ, ऐसा क्यों सुल्तान, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जबकि हमारे इतने सिपाही शहीद हुए हैं, मैं कैसे अपनी कौम को बेच सकता हूं? बात सुनो मेरी, मैं उस्मान जैसा नहीं चीर सकता हूं तुम्हें। उसके भागने की वजह तुम हो, सिपाही तुम्हारी वजह से मारे गए। रुक जाओ मेहमत, बोलने तो इसे। मेहमत साहब और सुल्तान, मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ तिजारत करना जानता है, लेकिन हाँ, इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं बेजमीर हूं और अपने ही लोगों से गद्दारी कर गुजरूं। मुझे गद्दारी करके अमीर होने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी है, शुक्र है उस रब का, अल्लाह हमारे साथ है। मैंने एक ही बात कही और हालत देखी मेरे सुल्तान, जान के बजाय पैसा चला जाना चाहिए था। जाओ यहां से, और कुछ वक्त तक तुम मुझे नजर ना आना। जैसा मेरे सुल्तान मोहतरम का हुक्म, जब तक आप मुझे माफ ना कर दें मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। इजाजत दीजिए। मैं तो पहले से ही पोशीदा हूं अहमक हूं। कायमास सुल्तान,
इसके पीछे एक आदमी लगाओ, वो हमें इसकी हर हरकत से आगाह करे। जो आपका हुक्म सुल्तान। जनाब हमारे लिए क्या हुक्म है? मेरा जिहाद के अलावा और क्या हुक्म होगा? गुरबुज और बाकी शहदा के इंतकाम के लिए हम जंग करेंगे। वो तलवारें जो काफले से ली थी वो लोगों में तकसीम कर दी जाए, और अगर कुछ बच जाती है तो सरदारों को दे दीजिए। जो मेरे सरदार का हुक्म। उन तलवारों को देखकर सिपाहियों की हौसला अफजाई होगी। हुजूर, आप हदफ दिखाए बगैर हमें मुसल्लह नहीं करते। बताएं कि हमें कहां जाना है। किताए की तरफ जाएंगे। लश्कर और उसके साथ मुहासरे का सामान तैयार किया जाए। जो हुक्म जनाब। वो तलवारें देखकर सिपाही खुश होंगे, और ये जिहाद हमारा हर एक को आपस में मुत्तहिद कर देगा इंशाल्लाह। मंगोलों को लगता है जनाब हम शिकस्त के बाद पीछे हट जाएंगे। वो लोग देखेंगे कि उन्होंने ये फतह हासिल करके गलती की है। उन्हें हम दिखाएंगे कि फतह से पहले हम पीछे हटने वाले नहीं। जनाब घात वाले मुकाम पर तीरंदाज भी तैनात थे। मेरे बेटे गद्दारों के पीछे, उनके बड़े जालिम के पीछे। झरकुताए, अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर अपने साथ? बिल्कुल जनाब, हमारे सिपाहियों का और गुरबुज भाई का खून कभी रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। हुजूर, कोनिया के गवर्नर को निशाना बनाने का मतलब यह है कि औलजाए को निशाना बनाया जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। यह आफत बड़ी होगी। कोनिया पहुंचने से पहले उस गीदड़ को निशाना बनाना है, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सिपाहियों, आज जालिमों के अंजाम का दिन है। आ जाओ। या 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 हमने उनके सिपाही मार दिए थे, शहजादे को भी मारने ही वाले थे। उन सभी को मार सकते थे हम। जीत हमारी होती, लेकिन उस्मान साहब को खबर भिजवाओ। जो ताकत से हुकूमत नहीं कर सकता उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जिसे अपनी तलवार पर पूरा भरोसा हो, जंग वही जीतता है। उस्मान और याकूब ने हमारी ताकत देख ली है, और यही ताकत उन दोनों को शिकस्त देगी। हम जल्द वापस पहुंचकर अपने फौजियों के साथ मुत्तहिद होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दुश्मन का सामना करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। चलो सब। अब बेहतर महसूस कर रही हो? शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूं बिल्कुल। आप परेशान मत हो। हक पर होने वाले शख्स का सर हमेशा बुलंद होता है। मुझे तुमसे यही तवक्को थी। जिन्होंने तुम्हारी सुने बगैर और तुम्हें समझे बगैर इल्जाम लगा दिया, उन्होंने पूरे बाजार में आज अपनी असलियत देख ली। होलो फेरा, वक्त है तुम्हारे पास? तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी दुकान से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। गुस्सा कर सकती हो तुम,
मैं यहां माफी मांगने आई हूं। माफी मांगने? बाजार में हर कोई हमारे बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि होलोफेरा ने तुम्हारे मंगेतर को तुमसे छीन लिया और तुम देखती रह गई। और जब मैंने ये सुना तो मैंने तुम पर अपना गुस्सा निकाल दिया। लेकिन मैं जानती हूं इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और वो आप नहीं जिसने मुझसे वादा किया था। मैंने गलती की, माफी मांगती हूं तुमसे। ठीक है, मेरे सामने आने की जरूरत मत करना दोबारा। आसमा मुखलिस दिखाई देती है, मगर मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगी जब तक इसे अच्छी तरह जांच ना लूं। गलती को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। एक बार उसने हमें शक में डाल दिया, तुम्हें उसे मजीद जानने की जरूरत होगी। देखते हैं, अगर होलोफेरा ने इस्लाम कबूल कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। औलाद की जिंदगी का हर मरहला ही एक इम्तिहान है। मुझे उम्मीद है कि हम अपने बेटों का एक अच्छा घर बसाएंगे। आमीन बाला, आमीन। वैसे तुमने गोंजा के बारे में क्या किया, क्या कुछ पता चला है? हाँ, पता चला है। अलाउद्दीन ने गोंजा के लिए मोहब्बत का इजहार किया है। हाँ, और गोंजा के दिल में भी उसके लिए यही है। चलो खैर है। हाँ खैर है। याकूब साहब से गोंजा का हाथ मांगना मुश्किल है, मगर गोंजा सच्ची है, अच्छी लड़की है। हाँ अलगन, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने काफी वक्त गुजारा है, गोंजा हमारे लिए अच्छी बहू होगी? मुझे नहीं पता। गोंजा खातून, गाजी सिपाही, क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों है? होना क्या है, आज भी बहुत से लोग आपका रिश्ता मांग रहे हैं, बहुत अहम बात है ये। किसने मांगा? हाँ, अलाउद्दीन साहब। हाँ, मगर आप मेरे बगैर उनसे मुलाकात नहीं कर सकती, मैं भी साथ आऊंगा आपके। आज नहीं जा सकते गाजी, जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए है। लेकिन चली गई। मेरे लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं मेरे शहजादे, ये मेरे ही, ये मुझे गोंजा खातून ने दिए हैं, ये मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तुम जाओ जाकर खेलो गाजी सिपाही।